एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। और एक बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है यूपी ट्रिपल एससी जेई की तरफ से, और ये न्यूज़ आप लोगों के लिए बहुत शानदार और ज़बरदस्त है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। पता है कि आपको 4016 वैकेंसीज आपको आउट कर दिया गया था, बट अभी उसमें इंक्लूड हुआ है 360 वैकेंसीज और ये वैकेंसीज आपका उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम में है, नगर निकाय देशालय में है। टोटल 5 डिपार्टमेंट में 360 वैकेंसीज है, और ये देख सकते हो यहाँ पे मैंने डाल दिया, इनके वेबसाइट पे ये अवेलेबल है यूपी ट्रिपल एससी जेई में। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, बट उनके लिए बहुत मतलब कह सकते हो कि जो डिप्लोमा स्टूडेंट है खास के लिए, उनके लिए वैकेंसीज है। बाकी वीटेक होल्डर के लिए थोड़ा सा यहाँ निराशाजनक है। इसमें कई डिपार्टमेंट होंगे, 5 डिपार्टमेंट होंगे। जो डिपार्टमेंट है मैं बता देता हूँ, जैसे कि आपका यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, और इसमें स्पेशल भी थोड़ा सा है आपको, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। और ये वैकेंसी सच में यार अच्छा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखोगे यार, मतलब जूनियर एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम, जूनियर सिविल, सिविल 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 और स्पेशल रिक्वायरमेंट। तो ये सिविल के लिए मोस्टली है, और अगर आप अदर ब्रांच वाइज सोच रहे हो तो उसके लिए आने वाली है, तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। तो आई थिंक सिविल के लिए द बेस्ट जॉब भाई, मतलब 4,300 वैकेंसीज ऑलमोस्ट हो चुकी है, 43, मतलब अच्छी खासी वैकेंसीज है यूपी ट्रिपल एस से। पूरा डिटेल जब नोटिफिकेशन आउट होगा तब मिलेगा, बाकी अभी जो है जो वेबसाइट पे आउट है, अभी नोटिफिकेशन शायद आज शाम तक अपलोड हो जाए। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है यार, और पेट के थ्रू ही होगा। पेट और बीटेक वाले जो जिस तरह से अभी चल रहा केस वैसे ही रहेगा। अगर आप फॉर्म भर कर रहे हो तो फॉर्म फिल कर सकते हो, पर फॉर्म का फिल करना अभी आप फिल कर लो तो बेटर रहेगा, अगर बीटेक वाले हो डिप्लोमा वाले। बट आपको पेट होना ज़रूरी है, पेट नहीं हटेगा तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर डायरेक्टली पेट मेंशन है, तो पेट के बिना आप कुछ नहीं होता, पेट वही कमाल करेगा आपके लिए। तो यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए एक बहुत बड़ा अपडेट है, वैकेंसीज आल्सो इज इंक्रीजेस गाइस, और बीटेक इज आल्सो एलिज ओनली फॉर द फॉर्म टिल द 16 जुलाई। 16 जुलाई तक पूरा डेट है कि आप अगर वहां पे कुछ ऐसा का क्लासिफिकेशन या बहुत सारे देती है सुप्रीम कोर्ट, तो सब चीजें फैसला होगी, बट आप फॉर्म फिल कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट गाइज। अदर स्टेट बट आल्सो अलाउड, चाहे बीटेक हो डिप्लोमा हो, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, और बाय बाय, टेक केयर। पहले थी आपकी, पता है कि 4016 वैकेंसी थी, उसमें जो वैकेंसीज इंक्रीज हुई मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपको जो वैकेंसीज इनक्रीज, उत्तर प्रदेश जल निगम में 128 पोस्ट जेई में इंक्रीज हुई है, और दूसरी वैकेंसी डायरेक्टर अब लोकल बॉडीज उत्तर प्रदेश में जो 160 वैकेंसीज इंक्रीज हुई है, उत्तर प्रदेश जल निगम में 128 हुई है। बाकी उत्तर प्रदेश कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, फॉर्मली उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्वाह निगम, 53 वैकेंसीज, और डायरेक्टर अब लोकल बॉडीज अब उत्तर प्रदेश 160 वैकेंसीज। तो ठीक ठाक वैकेंसीज इंक्रीज़ हुई है गाइस, और मतलब एक माल के मान के चलो ये वैकेंसी ठीक ठाक है, 360 नियर अबाउट वैकेंसीज हैं। तो पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, टेक्निकल अंडर स्कोर एग्ज़ाम 1 में, वहां से आप दे सकते हो। तो अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश जेई में, और ये ज़बरदस्त वैकेंसीज है, सीरियसली गाइस ज़बरदस्त वैकेंसीज है, और इतना बड़ा वैकेंसी किसी भी स्टेट में नहीं आ सकता है। सारे जेई बन जाओगे जितना थोड़ा बहुत स्टडी करोगे। सारा डिटेल रात में बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही।